तो स्वागत है मेरा एक न्यू वीडियो में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि NSP स्कॉलरशिप का पेमेंट फ्रेश वाला का आना शुरू हो चुका है। जो भी स्टूडेंट फ्रेश वाला स्टूडेंट है, यानी फ्रेश जो स्टूडेंट किया था, मतलब फ्रेश जो पूरे एप्लीकेशन न्यू वाला है, सभी स्टूडेंट का पेमेंट आना शुरू हो चुका है। क्योंकि एक स्टूडेंट ने हमको मतलब इंस्टाग्राम पर DM किया था, उसने बताया कि उसका मेरे लिस्ट में भी यस नहीं हुआ, लेकिन उसका पेमेंट उसका अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। तो उसका कैसे हुआ तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बता दे, अगर आप फ्रेश वाला स्टूडेंट है तो आपको देखिए, आप अपना मिनिस्ट्री को ईमेल कीजिए अगर आपका स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है, अगर आपका सेंड टू PF हो चुका है पर अभी तक आपका मतलब मेल लिस्ट भी नहीं बना है, वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर या स्टेट नोडल ऑफिसर कर दिया, तो अपना मिनिस्ट्री को ईमेल कीजिए। मिनिस्ट्री को ईमेल कैसे करना है तो आपको देखिए NSP के होम पोर्टल पर आना है। NSP के होम पोर्टल पर आने के बाद आपको देखिए यहाँ पब्लिक कॉर्नर पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा। कौन सा ऑप्शन? सर्च स्कीम विश नूडल ऑफिसर। इस पर क्लिक कीजिएगा तो वहां पर अपना मिनिस्ट्री को सेलेक्ट कीजिए, कौन सा मिनिस्ट्री है। इसके बाद कैप्चर आएगा, कैप्चर बनने के बाद अपना मिनिस्ट्री का ईमेल आईडी निकाल लीजिए। ईमेल आईडी निकालने के बाद मिनिस्ट्री का ईमेल कीजिए। और रहा बात रिन्यूअल वाला का, तो रिन्यूअल वाला का पेमेंट कब से ही आना शुरू हो चुका है। और रिन्यूअल वाला का पेमेंट जुलाई के लास्ट मंथ तक सभी रिन्यूअल वाला का पेमेंट मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का फास्टली पेमेंट किया जा रहा है, क्योंकि आप मेरी लिस्ट में भी यस नहीं हो रहा है तो पेमेंट मिल रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट का सेंट ऑफ PFS हो चुका है लेकिन उसका पेमेंट नहीं मिला, तो उसको भी पेमेंट अब मिलना शुरू हो चुका है। जिस भी स्टूडेंट का सेंट ऑफ PFS हो चुका है, उस सभी स्टूडेंट का पेमेंट मिलना भी शुरू हो चुका है। तो आपको बता दे कि अगर आप रिन्यूअल है तो आपका भी पेमेंट मिल जाएगा। अगर आपका पेमेंट लेट हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर या स्टेट नोडल ऑफिसर वेरीफाई कर दिया गया तो अपना मिनिस्ट्री से कॉन्टेक्ट कीजिए। जैसे ही मिनिस्ट्री को कॉन्टेक्ट कीजिएगा तो आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, आपका पेमेंट आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और रहा बात जिस भी स्टूडेंट फ्रेश किया है तो उसका अगस्त के लास्ट मंथ तक जाएगा उसका पेमेंट, यानी अगस्त के लास्ट मंथ तक सभी का भी पेमेंट मिल जाएगा। इसके बाद 23 से 24 सेशन भी एप्लीकेशन सबमिशन फॉर एकेडमिक ईयर 23 से 24 सेशन भी बहुत जल्द चालू होगा। जब चालू होगा मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि इसमें हम 23 से 24 सेशन जब चालू होगा मैं इसी चैनल के माध्यम से बताऊंगा आपको। और रहा बात जिस भी स्टूडेंट का स्टेटस ही चेंज नहीं हो रहा है, कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि अगर उसका बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट ही नहीं हुआ है, अगर किसी का अकाउंट पर पैसा क्रेडिट हो चुका है लेकिन बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं, तो उसको बता दे कि उसको देखिए वो क्या करेगा, अपना मिनिस्ट्री को ईमेल कीजिए। उसको बोलिए कि सर मैं बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ। अगर बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं, आपको बता दें, जब अगर आप NSP पर आधार दिए हैं तो आपका आधार थ्योरी पेमेंट गया होगा, तो आपको देखिए आपका बैंक दो होगा तो दो बैंक में एक बैंक कोई बैंक में जा सकता है। क्योंकि जब आधार आपका डाला होगा मतलब NSP वाले, तो उसमें आपको दो बैंक शो किया होगा जिसमें आपका देखा होगा आधार लिंकेड है, DBT मोड से लिंकेड है, तो उसी में आपका पेमेंट गया होगा। तो आप दूसरा बैंक में जाकर अपना पेमेंट चेक कीजिए, उसमें आया ही होगा पेमेंट। क्योंकि जब यहाँ से रिलीज करता है तो पहले मिनिस्ट्री NSP का नेम गाइडलाइन है, नेम मिलाता है। अगर नेम मिलता तभी पेमेंट रिलीज करता है, ऐसा नहीं है कि किसी की और अकाउंट में पेमेंट रिलीज कर दे। NSP वाला का बहुत ही अच्छी होता है। और रहा बात कि स्टेटस इतना दिन से बहुत सारे समय बोला है स्टेटस चेंज नहीं है, तो सबको बता ले कि मिनिस्ट्री ऑफिस में भी फ्रेशर का कोई काम नहीं चल रहा है। नहीं, कोई फ्रेशर है जिसका पेमेंट दे रहा है अभी, लेकिन अभी सबसे ज्यादा रिन्यूअल वाला का काम चल रहा है। क्योंकि एक भाई ने जब मिनिस्ट्री से यानी दिल्ली में जाके डायरेक्ट मिनिस्ट्री से बात किया, उसने बताया कि अभी फिर फ्रेशर का काम चल रहा है, सॉरी रिन्यूअल का काम चल रहा है, फ्रेशर का भी कोई काम यहाँ नहीं चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या किया है, डुप्लीकेट एप्लीकेशन सबमिट मार के यानी स्कूल वाले क्या किया है, वेरीफाई कर दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी वेरीफाई कर दिया, मिनिस्ट्री के पास उसका एप्लीकेशन पहुंच गया है। तो मिनिस्ट्री क्या कर रहा है, जो फेक एप्लीकेशन है उसको छांट रहा है, उसका लिस्ट निकाल रहा है। लिस्ट निकालने का उससे कानून की कार्रवाई की जाएगी। कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही है, तो होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट पैसा के लिए कुछ भी कर देता है, स्कूल वाला भी कुछ ऐसा कर दिया, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। तो सभी को मतलब बताते आपको अगस्त के लास्ट मंथ तक रिन्यूअल हो या फ्रेश दोनों को पेमेंट मिल सकता है अगस्त के लास्ट मंथ तक पेमेंट मिलना ही है। इसके बाद देखिए अगस्त का लास्ट मंथ तक पेमेंट मिलेगा सबको। इसके बाद 23 से 24 सेशन सितंबर में चालू हो जाएगा। जब चालू होगा मैसेज चैनल के माध्यम से बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना छोटा भाई समझो था सपोर्ट रखेगा। और मैं टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुआ तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए, उसे मैं थोड़ा मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।